मेरा नाम विजय विक्टर है, पहले कमला देवी मेमोरियल हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन से। हम आप लोगों के साथ ट्रेनर है रामचंद्रा मेडिकल इंस्टीट्यूट। यहाँ पर ट्रेनर है, आप लोगों को यहाँ सिखाया जाता है किस तरह से लेबोरेटरी में काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट। और हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे यूरिन केमिकल एग्जामिनेशन के विषय में, पिछले अध्याय हमने पढ़ा था यूरिन प्रोटीन टेस्ट, हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड से। और आज हम लोग जान रहे हैं कि यूरिन शुगर टेस्ट करना, यूरिन शुगर टेस्ट बेनेडिक्ट टेस्ट होता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये रिड्यूसिंग शुगर बताता है, रिड्यूस मतलब निकलना। तो आज हम इसको डेमोंस्ट्रेट करने वाले यूरिन शुगर का मेथड कैसे करते हैं। यूरिन शुगर से पहले जानते हैं आता क्यों है, कैसे आता है, यूरिन शुगर कब आता है। जब हमारा ब्लड शुगर, मान लीजिए एग्जाम्पल के फास्टिंग ब्लड शुगर, जिसकी नॉर्मल रेंज है 70 से 110 एमजी पर डीएल, जब वो 140 से ऊपर पहुंच जाता है, 140 एमजी पर डीएल से ऊपर पहुंच जाता है, तो यूरिन शुगर सिक्रीट होने लगता है। जब पोस्ट प्रीनियल ब्लड शुगर खाना खाने 2 घंटे बाद वाला जो है, जब वो होता है 150 तक नॉर्मल होता है, 180 के ऊपर पहुंचने लगता है, तो पोस्ट प्रीनियल ब्लड शुगर जब बढ़ा हुआ मिलेगा तो यूरिन शुगर आएगा। उसी तरह रैंडम ब्लड शुगर जब हमारा फास्टिंग रैंडम ब्लड शुगर की नॉर्मल रेंज होती है 70 to 150 एमजी पर डीएल होती है, जब 180 एमजी पर डीएल ऊपर जाती है तो हमारा यूरिन में शुगर आने रिड्यूस होने लगता है। इसे हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। उसी का आज हम डेमोंस्ट्रेट करने वाले, क्योंकि शुगर टेस्ट जो होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए होता है, खासकर डायबिटीज होती है, इंडिकेट करती है डायबिटिक मेलाइटिस और डायबिटिक इंसिपिडस, जिसके लिए हम आगे वाले अध्याय बताएंगे डायबिटिक मेलाइटिस क्या होता है, डायबिटिक इंसिपिडस क्या होता है। तो आज हम लोग ज्यादा समय ना लेते हुए डेमोंस्ट्रेट करने जा रहे हैं यूरिन शुगर बेनेडिक्ट मेथड। इसके लिए हमें चाहिए होगा स्प्रिट लाइन, टेस्ट ट्यूब 5 ml, टेस्ट ट्यूब होल्डर, यूरिन सैंपल, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, माइक्रोपिपेट्स। और हम लोग स्टार्ट करने वाले यूरिन शुगर टेस्ट। यूरिन शुगर टेस्ट करने के लिए सबसे पहले टेस्ट ट्यूब लेना होगा, टेस्ट ट्यूब को होल्डर में फंसा लेना चाहिए। ड्रॉप यूरिन मिक्स किया और उसको बॉइल करेंगे। आज हमारे पेटी सोल्यूशन है, इसमें 8 ड्रॉप यूरिन डाल के बॉइल करेंगे लोअर पार्ट को, अपर पार्ट को नहीं हीट करते, लोअर पार्ट से हीट करते हैं ताकि पूरा पेटी सोल्यूशन बॉइल हो जाए, ठीक है।
इसमें कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है कि जिस एंगल पे हम लोग खड़े हैं इस एंगल पे इस तरह का अगर छटकेगा हॉल के ऊपर आएगा तो हमारे ऊपर आने की संभावना नहीं रहेगी, सामने की कोई नहीं होना चाहिए। चीनी डाल दिया और इसको बॉइल करके देखते हैं। अगर यूरिन में शुगर होगा तो दूसरे ग्रीन हो जाएगा,
अगर ग्रीन हो गया तो इसे हम लोग बोलेंगे वन प्लस, और ग्रीन के बाद अलग अलग आएगा येलो, येलो होगा टू प्लस, ऑरेंज होगा थ्री प्लस, रेड होगा फोर प्लस, ये हमें आगे वन प्लस हो गया। ब्लू मतलब नील, शुगर नहीं यूरिन में, ग्रीन आ गया तो वन प्लस, येलो कलर टाइप की अगर सिर्फ येलो रुक जाएगा तो टू प्लस है, और इसमें थ्री प्लस देंगे, रेड पे फोर प्लस। देख रहे हैं ये ऑरेंज हो चुका है, मतलब ये शो कर रहा है हमारी यूरिन में शुगर थ्री प्लस टू फोर प्लस है, रेड की ओर जा रहा है। अब इन सोल्यूशन से हम तुलना करते हैं, जैसे हमारा ये था यूरिन में पेंटी सोल्यूशन में यूरिन डाला, कलर चेंज नहीं हुआ तो नील है, अगर पेंटी सोल्यूशन में यूरिन डाले कलर ग्रीन हो गया तो वन प्लस, येलो हो जाना चाहिए येलो होता है टू प्लस, ऑरेंज होता है थ्री प्लस, रेड हो गया तो फोर प्लस। ठीक है, ये हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया शुगर डाल के, एडिशनल शुगर डाल के। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई पेशेंट ये होते हैं कि उनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा मात्रा हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे हमने बताया था कि खाली पेट वाला कोई भी ब्लड शुगर अपनी मात्रा से 30% ज्यादा हो जाता है तो यूरिन में शुगर आने लगती है। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने एग्जाम्पल दिया था कि फास्टिंग ब्लड शुगर 70 से 110 mg/dL नॉर्मल होता है, 140 mg/dL आएगा तो यूरिन शुगर दिखने लगेगा, अगर 140 mg/dL के ऊपर आ गया तो इस तरह ग्रीन दिखेगा। मान लीजिए और ज्यादा एग्जांपल के लिए 200 के आसपास हो गया, 200 से 300 पहुंच गया तो रेड हो जाएगा, 300 थोड़ा पहले रहेगा तो 200 250 के आसपास रहेगा तो येलो और ऑरेंज हो सकता है। इस तरह से हम लोग यूरिन का शुगर टेस्ट करते हैं, किसी पेशेंट में अगर हम लोग यूरिन शुगर करते हैं पेटी में करते तो इस तरह के सोल्यूशन से इस तरह के रिजल्ट शो होंगे, रेड ग्रीन कलरलेस मतलब ब्लू ही रहेगा, बीच में दो कलर और है जिसे हम लोग येलो कहते हैं और ऑरेंज कहते हैं, ये रेड में है फोर प्लस ही आ जाएगा, ये वन प्लस, ये नील। दैट्स ऑल।